हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीमन। तो आप लोगों के लिए रीड से बड़ी न्यूज़ कोई होती नहीं है, और जो भी न्यूज़ होती है वो मैं आपको बताती हूँ, और कोई भी डाउट होते हैं वो भी मैं आपके क्लियर करती हूँ। तो कई बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि रीड के एग्जाम की डेट क्या चेंज हो चुकी है। तो देखिए, कोई भी न्यूज़ आने से पहले आप उसको बहुत अच्छे से बारीकी से देखा करिए। सबसे पहले जो मेन साइट है वहां पर जाकर देखा करिए कि क्या वाकई में चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो ये बात है कि 25 अप्रैल जो है वो डेट आपकी निर्धारित हुई है, लेकिन उस दिन महावीर जयंती होने की वजह से जो जैन समुदाय है वो इस चीज को नहीं मान रहा है कि 25 अप्रैल जो है वो एग्जाम हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि 25 अप्रैल के बजाय उसके बाद जो है निर्धारित हो, यानी कि एग्जाम की डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी जाए। लेकिन देखिए, उपेन यादव का जो ट्विटर पर बिल्कुल हाल ही का ट्वीट आया है, और वो क्या है खुद ही आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा है कि गुलाब कटारिया जी, बेरोजगारों के लिए रीट परीक्षा से बड़ा कोई त्योहार नहीं है, क्योंकि वही उनका रोजगार है, वही उनकी नौकरी के जो साधन है वो खोलता है। तो कई सालों के इंतजार के बाद तो रीट परीक्षा होने ही जा रही है। 25 अप्रैल जैसे वो निर्धारित हुई है, अब उसको चेंज करने की अगर बारी आती है तो बच्चों को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जो 25 अप्रैल है वो भी एक बेरोजगारों के लिए त्योहार से कम नहीं है। तो उपेन यादव जी का तो ये कहना है। और इसके बाद जो लेटर है जिसमें ये कहा गया है, उसके बाद देखिए कि जो गुलाबचंद कटारिया जी हैं, जिन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको लेटर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। रीट की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 यानी संडे को राजस्थान के सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 25 अप्रैल 2021 को महावीर जयंती है, तो जैन समाज का ये बहुत बड़ा पर्व होता है। इस परीक्षा में जैन समाज के भी छात्र शामिल होंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि महावीर जयंती के पर्व को देखते हुए जो रीट का एग्जाम है वो 25 अप्रैल 2021 से हटाकर उसे आगे की तिथि कर दी जाए। ठीक है, तो ये एक केवल क्या दिया गया है, उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव जो है वो रखा है, इसके ऊपर अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। डेट जो है वो 25 अप्रैल ही है अभी तक। कोई भी चेंजमेंट आता है तो उसके लिए आपको बिल्कुल सीधे जाना है वेबसाइट पर। इसके अलावा और कोई भी न्यूज़ होती है रीट से संबंधित तो आपको वो चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अभी आपको केवल यही करना है कि बिल्कुल फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है, बिना ध्यान दिए फालतू कामों पर, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट अभी 25 अप्रैल ही है और आपके पास समय भी कम ही है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अभी ही तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो टाइम जो है वो आपके पास कम रहता है। तो इसी तरीके से फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।